नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। आज की टॉप हेडलाइंस है, 1 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकियों द्वारा देखी गई हिंदूज फॉर ट्रंप डिजिटल रैली। कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ खुराक खरीदने के लिए ब्रिटेन ने भारत से किया समझौता। कोरोना वैक्सीन की जानकारी चुराने के आरोपों को रूस ने किया खारिज। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलावर ने धमाके से उड़ाया ट्रक, 8 अफगान सैनिकों की मौत। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध अदालत में सुनवाई हुई, फिर से शुरू। भारतीय नौसेना द्वारा अमेरिकी नौसेना के साथ अंडमान निकोबार में पास समुद्र में युद्धाभ्यास। इस महीने के अंत तक वायुसेना में शामिल होने वाले हैं 5 राफेल लड़ाकू विमान, चीन हताश। पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते 2 दिनों का लॉकडाउन लगाने का ममता बनर्जी का ऐलान। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उनके परिवार को चश्मे खरीदने के लिए सालाना 50,000 रुपये दिए जाने की स्वीकृति। कोरोना वायरस की वजह से इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन टला। उत्तर बिहार में बारिश ने मचाया तांडव, 3 नाबालिग लड़कियों समेत 11 की मौत डूबकर। लॉकडाउन के बीच पटना में वंचित नेवी के कैप्टन के घर से 1 करोड़ की संपत्ति की चोरी। बिहार में कोरोना के 1076 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 27,455 और 8 की मौत के साथ मृतकों की संख्या 187। बिहार में आफत बन बरस रही बारिश, पूर्व मंत्री के घर में घुसा पानी, निचले इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का संकट। बिहार में मौत बनकर गिर रही आकाशीय बिजली, माँ और बेटे समेत 5 की मौत 5 जून से। अब कटिहार की खबरें। हसनगंज में सोमवती और हरियाली अमावस्या पर उत्साह। तीसरी सोमवारी में शिवालय बंद, भक्तों ने बाहर से की पूजा। बारिश से जनजीवन प्रभावित, लोगों की बड़ी परेशानी। संविदा कर्मियों का आगरताल व कार्य बहिष्कार आज से। ऑटो पड़ाव और बाजार में जल जमाव। सदर अस्पताल परिसर में कोरोना पॉजिटिव मरीज और रसोईया के बीच खाना मांगने को लेकर हुआ विवाद। नशे में सदर अस्पताल में मेडिकल को पहुंचे पुलिसकर्मी ने अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का लगाया आरोप। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 27।